हेलो एवरीबॉडी, आई एम ऑडिबल, जस्ट पुट इन चैट बॉक्स, दिस इज संतोष टकले। सो सर हैज ज्वाइन, आई जस्ट वांटेड टू टेल एनी, नाउ इट इज बीइंग रेनी सीजन, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर विल बी लॉट ऑफ नेटवर्क इशू फॉर यू ऑल पीपल इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बट सर विल नॉट हैव नेटवर्क इशू बिकॉज ही स्टेज अब्रॉड। सो kindly, whenever you have issue that you are not able to hear or you are not able to see his presentation, kindly check your own network. Okay, now sir is present, sir will take care of your lecture. Kindly allow me to leave, I am muting myself. Sandeep sir, please continue, I am muting myself. Okay, sir. Thank you. Okay, good evening to everyone. So I think I will start presenting now. Let me see if you can see my screen. So can you see my screen? I think your entire screen. Okay. Okay, can you see my screen? Please type yes in the chat box. Okay, that's great. So now you are seeing this mark price, example two mark price of chair rupees 1,200, right? You are seeing maths notebook. आप maths notebook देख पा रहे हो? Please type yes. और मेरी आवाज भी आपके तक पहुंच पा रही है, राइट? यू कैन हियर मी वेरी क्लियरली। या सो या लेट्स स्टार्ट व्हाट वेयर वी लेफ्ट। इट्स अबाउट डिस्काउंट। सो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हाउ डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो मैं जस्ट एक रिवाइज दे देता हूं आपको कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्काउंट ऑन एनी प्राइस एंड हाउ दिस वर्क्स, राइट? व्हाट एवर द शॉपकीपर टेल्स दैट देयर इज 20% डिस्काउंट, वहां 20% डिस्काउंट है तो उसका मतलब क्या होता है। तो हमने ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इस होमवर्क में से जितने भी प्रॉब्लम हो के सॉल्व करके देखिए, बट आई डोंट थिंक किसी ने सबमिट किया है। सो एनी प्रॉब्लम इन दिस सॉल्विंग दिस प्रैक्टिस सेट 9.1, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स अगर आपको इसमें से किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आया हो तो। ओके, आई थिंक वी विल गो मूव सॉरी मूव फर्दर। सो हम आज पढ़ेंगे कमीशन के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय कमीशन? सो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू सेल देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इन सच केस द कंपनी असाइन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग द गुड्स। अभी इसका मतलब क्या है? हमें कभी कभी क्या होता है कि हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है तो हम डायरेक्टली नहीं बेच पाते। जैसे साबुन है, या जो साबुन है तो हम लोग साबुन डायरेक्टली नहीं बेच पाते तो हम लोग किसी वेंडर्स को देते हैं, तो वो हमारे तरफ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव करके बेचते हैं। सो इन सच केस द कंपनी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग द गुड्स, फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक्स, क्लोथ, सोप एक्सेट्रा। द पर्सन गेट सम रिमुनरेशन फॉर द सर्विस। द रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड कमीशन। सो जब भी अभी कंपनी आपको बेचने कहेगी, मतलब किसी भी वेंडर्स को देती है कि आप हमारे सोप बेचो या हमारे बुक्स बेचो, तो उसके पर कुछ उन्हें पैसा देती है, उसे कहते हैं कमीशन। और द पर्सन हु प्रोवाइड सच टाइप ऑफ सर्विस इज कॉल्ड कमीशन एजेंट। ओके, सो कमीशन इज ऑल्सो
decided in terms of percentage. The rates of commission vary according to types of goods. So यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ऐसे जो persons होते हैं जो बेचते हैं goods, मतलब soap हो या books हो, तो ऐसे लोगों को commission agent कहते हैं. और उनका जो commission होता है वो हमेशा percentage में होता है. और commission ये जो rates होता है, मतलब percentage, वो हमेशा हर वेंडर्स के पास अलग होता है. हर टाइप की, मतलब जैसे अभी बुक्स बेचोगे तो आपका अलग कमीशन होगा, सोप बेचोगे तो आपका कमीशन अलग होगा, इवन रेफ्रिजरेटर और मेडिसिंस. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, वो डायरेक्टली नहीं बेची जाती, वो थ्रू दिस कमीशन एजेंट ही बेची जाती है. तो ये होते हैं कमीशन एजेंट्स. यहाँ देखिए, इफ ऑनर ओनर्स ऑफ लैंड, हाउस, कैटल एक्सेट्रा वॉन्ट्स टू सेल देयर बिलोंगिंग्स, इट इज नॉट ईजी फॉर देम टू फाइंड सच कस्टमर्स. इन सच सिचुएशन द पर्सन हु ब्रिंग्स द सेलर एंड द बायर टूगेदर इज नोन एज मेडिएटर और एन एजेंट और कमीशन एजेंट. तो हमने देखा होगा कि कोई भी लैंड बेचना चाहता है या हाउस बेचना चाहता है या आपके पास बहुत सारे पशु अधि है तो उनको भी बेचना चाहते हो आप, तो ये डायरेक्टली हम लोग को कस्टमर्स नहीं मिलते, तो उनके लिए एक कस्टमर एजेंट होते हैं. तो वो क्या करते हैं, जो सेलर्स है, जो बेचने वाले हैं और जिनको खरीदना है, उन दोनों को साथ मिलाते हैं और वो डील फिक्स करते हैं कि कितने में देना है, और उसमें से कुछ परसेंटेज इस कमीशन एजेंट को मिलता है. इस प्रकार के बहुत सारे कमीशन एजेंट आप देख पाएंगे, जैसे रियल एस्टेट एजेंट, तो आप हमेशा आजू बाजू में देखते हैं कि वो आपके फ्लैट्स या आपकी लैंड वो बेचने के लिए आपको हेल्प करते हैं, या आपको खरीदने के लिए भी, अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको खरीदने के लिए भी हेल्प करते हैं. लेकिन इन कमीशन एजेंट को कुछ कमीशन परसेंटेज में देना होता है. तो आप बुक बेचोगे, बुक्स, तो उनका कमीशन शायद कम हो सकता है, या आपको मिलने वाला पैसा अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग होता है. जैसे आप बुक बेचने जाओगे तो आपको परसेंटेज मे बी 5% होगा, बट आपको उतनी बुक्स बेचनी पड़ेगी. जैसे एक बुक समझो कि 1000 रुपीज में आती है, बट अगर आप एक फ्लैट बेचते हो तो आपको लैक्स रुपीज में कमीशन मिलता है, राइट? सॉरी, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्री. सो कमीशन एजेंट कहाँ बनना है, कैसे बनना है, ये हर एक का अपना अपना ख्याल होता है. तो देखिए, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ऑल्सो सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मेडिएटर और एजेंट. सो कभी कभी फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल और फ्रूट और फ्लावर्स भी ऐसे इस स्टाइल से बेचे जाते हैं. For this type of job, agent gets commission. The commission is received from the seller or buyer or from the both. तो कभी कभी ये commission जो होता है seller से भी मिल सकता है या buyer से भी मिल सकता है. चलो हम कुछ examples देखते हैं so that you will be very clear about what is meant by commission. So commission discount जो हमने पढ़ा उससे बहुत ही अलग है. Okay, so commission के लिए कमीशन एजेंट होता है और उन्हें पैसे मिलते हैं. डिस्काउंट में आपको कोई भी खरीदने जाओगे आप चीजें तो उसके पर आपको कम प्राइस में मिलते हैं, तो उसे डिस्काउंट कहा जाता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सॉरी, सो श्रीपति सोल्ड अ लैंड फॉर ₹2,50,000 टू द मिस्टर सदाशिव, ओके, थ्रू अ ब्रोकर. Broker received 2% brokerage from the both. Find the total brokerage received by the broker. So यहाँ देखिए, दो person हैं. तो हम एक है श्रीपति जो अपना land बेचना चाहते हैं और दूसरे हैं Mr. सदाशिव, right? वो खरीदना चाहते हैं. तो आप देख सकते हो कि श्रीपति यहाँ seller है. ओके, सॉरी, कलर चेंज करते हैं सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर. तो यहाँ है श्रीपति है सेलर, ओके, और मिस्टर सदाशिव क्या है, आपके
कस्टमर। ओके, सो उनके बीच ये सौदा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सेलर्स ने कस्टमर को ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ सेलर कस्टमर, सेलर कस्टमर। सो यहाँ सेलर के नाम अलग अलग हो सकते हैं और कस्टमर के नाम भी अलग हो सकते हैं, बट फॉर फंडामेंटली यू विल नो दैट वन इज सेलर, वन इज कस्टमर एंड वन इज ब्रोकर। ब्रोकर को हम थोड़ा सा अलग कलर देते हैं। सो ये होता है ब्रोकर। ओके, तो ये दोनों के बीच में होता है जो मुझे कमीशन मिलता है। तो हम देखेंगे कि उसके ब्रोकर्स के परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किए हैं। तो उसे क्या मिला है, 2% ब्रोकरेज फ्रॉम द बोथ। तो उसे दोनों पार्टियों से 2% मिला है। तो 2% कितना होता है, ओके आई थिंक, ओके नो प्रॉब्लम, सो विल सी दैट। ओके, दिस इज सेलर, और यहां है कस्टमर। सेलर ने कस्टमर को बेचा है थ्रू ब्रोकर, इन्होंने डायरेक्ट सौदा नहीं किया है और डायरेक्ट व्यवहार नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि दे हैव सोल्ड दिस लैंड थ्रू ब्रोकर एंड ब्रोकर गॉट द 2% कमीशन। सॉरी, सो प्राइस ऑफ लैंड इज 2,50,000 रुपीज। सो हमने परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें पता ही है। जैसे 2,50,000 इंटू 2/100 इज गिविंग अस 5,000। सो 2% कमीशन is comes as a rupees 5,000. So 5,000 is a 2% commission on the value. So आप देख सकते हैं कि यहाँ broker को buyer और seller, right? दोनों से। अभी इसमें buyer कौन है? मतलब यहाँ customer लिखा है, ठीक है? हम उसके उन्होंने buyer कहा है, तो buyer लिखेंगे। So buyer या customer and seller दोनों से उनको 5,000 मिलेंगे। तो total मिला 10,000, राइट? सो इस प्रकार ब्रोकर को 10,000 रुपीस मिलेंगे। सो इस प्रकार से कमीशन कैलकुलेट होता है। अब सपोज मैंने लिखा यहां कि इंस्टेड ऑफ 2% ब्रोकर गॉट ओनली 1%, ओके 1% मिला और फ्रॉम ओनली बायर, तो कितना होगा आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंस्टेड ऑफ 2% ब्रोकर गॉट ओनली 1%, उसे सिर्फ 1% मिला, वो भी ओनली बायर से, दोनों तरफ से नहीं, ओके ओनली बायर से उसे 1% कमीशन मिला ब्रोकर को, तो कमीशन कितना हुआ, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। Yes. So, आप देख सकते हैं कि 1% माने 2,500 रुपीस होता है। ओके, सो आई विल रिपीट माई क्वेश्चन अगेन। सो इंस्टेड ऑफ 2% नाउ ब्रोकर इज रिसीविंग ओनली 1%, राइट? ओनली 1%. Only 1% from the buyer only. So, कितना कमीशन मिला उन्हें? So 1% of total value is 2,500. So उसे सिर्फ 2,500 मिले। So आप देख सकते हो कि अगर दोनों पार्टियों से नहीं मिला है तो कमीशन उसे कम मिल रहा है। Instead of 10,000 he is getting only 2,500. Okay. So इस प्रकार से commissions calculate होते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि हमेशा इस percentage में होता है। Then
आइदर फ्रॉम वन पार्टी और बोथ द पार्टी, ऐसे भी हो सकता है. सो वहाँ बहुत सारे चीजें होती हैं, तो वो चीजें क्या क्या हैं उसके अनुसार कमीशन हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए. सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट द कमीशन. सो आई विल गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल इन इंडस्ट्री वेयर अभी जो कार्स जो बेची जाती है, आपने कभी देखा है कि जो बड़ी बड़ी कार्स है जैसे टाटा टोयोटा, वो खुद उनके रिप्रेजेंटेटिव बेचने नहीं जाते. दे ऑलवेज गिव दिस कार्स टू डीलर्स और एजेंट्स, राइट? तो हमेशा आप देखा होगे मारुति सुजुकी शोरूम. सो वो एक पर्सन होता है जो हमेशा कार्स बेचते हैं, और जितनी भी कार बेची जाएगी, जैसे भी एक कार बेची गई 2,50,000, ओके, सो दे विल गेट सम कमीशन लाइक 1%, 2%, दैट्स डिसाइडेड बिटवीन वो जो बेचने वाला है प्लस बड़ी कंपनी जैसे मारुति सुजुकी या टाटा, तो उनके बीच एक करार हुआ होता है, उसके अनुसार उसे कमीशन मिलते रहता है. सो जितनी ज्यादा कार बेचेगा उतने ज्यादा परसेंटेज और ज्यादा उनकी मुनाफा होगा. सो इस प्रकार से कमीशन वर्क्स, कमीशन एजेंट वर्क्स. सो आप किसी भी इसमें इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वर्क्स ऑन दिस टाइप ऑफ कमीशन एजेंट. क्योंकि क्या है कि कंपनी अपने पर बेचने का ज्यादा टेंशन या लोड्स लेना नहीं चाहते, तो इससे क्या होता है कंपनी कैन फोकस ओनली ऑन मैन्युफैक्चरिंग, और उसे कम कार्स कैसी अच्छे से अच्छी बनाई जाए उसके पर वो लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ना कि सेलिंग के लिए. सेलिंग के लिए दे विल रिक्रूट डिफरेंट पीपल और डिफरेंट एजेंट्स आर देयर, राइट? सो इस प्रकार से कमीशन एजेंट्स होते हैं. तो हमेशा आप आजू बाजू की इंडस्ट्री में कमीशन एजेंट्स भी, मतलब इस प्रकार की ये व्यवस्था बनी गई है कि आप बहुत सारे कमीशन एजेंट्स देखोगे. तो अगर आप कल किसी कंपनी में ज्वाइन होते हो जैसे टाटा या मारुति सुजुकी, सो उसमें क्या होता है कि आप देख पाते हो कि ओके हमें इतना ही कमीशन देना है. सो यू विल बी इन अदर साइड कि आपको कमीशन कितना देना है, आप कितनी कार बेचोगे, मतलब उन डीलर्स के साथ. तो आप क्या करोगे, आप कंपनी की तरफ से हो तो आप कम से कम परसेंटेज देने को चाहोगे, राइट? तो ये सब कैलकुलेशन आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट होगी तभी, कि आप परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे कमीशन देते हो. सो सॉरी, ओके. सो इस प्रकार से कमीशन कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए. सो दिस इज द फंडामेंटल. अगर आप बराबर से इसको कैलकुलेट कर पाते हो, इस प्रकार से आप देख पाते हो, तो सो यू विल टेक अ डिसीजन कि हमको इस डीलर को देना चाहिए कि नहीं, या ये डीलर बंद करना चाहिए कि नहीं. इस प्रकार की जो डिसीजंस है इन नंबर्स पे डिसाइड होती है. सो ये नंबर्स कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट at this time that how to calculate this commission. So let's move further. We'll take another example exercise. So Sukhdev sold 10 quintal of wheat at rupees 4,050 per quintal through an agent. So Sukhdev jo hai wo seller hai, unhone kya kiya ki unhone gehu becha hai yahan 4,050 रुपीज पर क्विंटल, और उन्होंने टोटल कितना बेचा 10 क्विंटल. सो द कमीशन वॉज पेड एट अ रेट 1%. फाइंड द अमाउंट ऑफ सुखदेव रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग द वीट. तो इसमें क्या है, सुखदेव ने क्या किया, सो सुखदेव ने क्या किया कि ही सोल्ड हिज वीट थ्रू कमीशन एजेंट. सो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम कार बेचते हैं या सोप बेचते हैं, जैसे वैसे ही सुखदेव ने भी क्या किया, एक कमीशन एजेंट थ्रू अपना वीट या गेहूं बेचा है. सो व्हाट इज टोटल प्राइस ऑफ द सेलिंग, सो 10 क्विंटल इनटू 4,050 रुपीज पर क्विंटल, सो टोटल 40,500 सॉरी. सो आप देख सकते हो कि सुखदेव ने यहाँ टोटल कितने में बेचा, 40,500. सो इसका कमीशन रेट क्या है, 1%, राइट? सो
40,500 का 1% होता है 405, 405. सो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग वीट इज सेलिंग प्राइस, टोटल उसने जितना भी सेल किया माइनस कमीशन, क्योंकि कमीशन वो ब्रोकर को देना पड़ा क्योंकि उसने उतनी मेहनत की है, कमीशन एजेंट ने की, उसने बायर लेके आए और उसने बेचा है. सो सॉरी 40,500 माइनस 405 40,095. सो सुखदेव को कितना मिला? 40,095. सो आप देख सकते हैं कि 40,500 राइट, इतने में पूरा सेल हुआ, लेकिन इसको कितना मिला सुखदेव को? 40,095. ओके, सो उससे कम मिला राइट. अगर वो खुद बेचने जाता तो उसे पूरा पैसा मिलता, लेकिन वो गेहूं वहां से लेके जाओ, बायर्स ढूंढो, सो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती. इससे अच्छा क्या हुआ कि उसने एक कमीशन एजेंट लिया, उसे कहा कि मैं तुझे 1% दूंगा और उसे उसने पैसे दे दिए. लेट्स कैलकुलेट अनदर थिंग हियर. सपोज इंस्टेड ऑफ 1% सुखदेव ने डिसाइड किया कि उसे 2% देना है, या ब्रोकर ने कहा कि नहीं नहीं 1% नहीं 2% चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए कि सुखदेव को कितना मिलेगा. कैन यू कैलकुलेट? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स कि इंस्टेड ऑफ आई मीन दिस अमाउंट 40,095 हाउ मच अमाउंट सुखदेव रिसीव्ड इफ ब्रोकर हैज आस्क्ड फॉर द 2% हियर. प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. तो मेरा क्वेश्चन है कि इंस्टेड ऑफ 1% सुखदेव हैज डिसाइडेड टू गो फॉर 2% और ब्रोकर आस्क्ड फॉर द 2%, देन व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू सुखदेव रिसीव्ड. लेट्स गो वन बाय वन, आई थिंक पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. और सो व्हाट इज द कमीशन? सो फर्स्ट स्टार्ट विद कमीशन. कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स व्हाट इज द कमीशन he has to give? Instead of 1%, it is increased to 2%. I think someone has written down the answer also. That's good. Yeah. Okay, I think, okay, my question is again, I'm repeating my question. So instead of 1%, Sukhdev has decided to go for 2%. Then what will be the commission? So let's start here. So we will quickly go through that, this exercise. So into 2% comes as 810, right? Rupees 810. So selling price will be, amount received by Sukhdev will be 40,500 minus 810 gives you around 39 uh, 6
90. Okay, so as we can see that as percentage increase, whatever the amount Sukhdev was receiving is decrease. So always, whoever is buyer, agar wo commission percentage badhata hai, to buyer ko hamesha kam percentage milte hai. Okay, so from 1% to 2% agar increase hota hai commission, to Sukhdev ko milne wale paise kam ho gaye. Okay, so this is the thing. Okay, we will move to the next problem. Rebate. So let's go quickly through rebate. Okay, the organization like Khadi, Gramodyog, Handloom Shops, Handicraft Selling Centers, Bachat Groups, etc. give attractive discounts on special occasions. For example, at the time of Gandhi Jayanti, the Khadi textile goods are discounted for promoting Khadi. At such times, the amount of discount is compensated by the government. The monetary compensation is known as rebate. Hence, rebate is also type of discount. The individual having income up to certain limit also receives some discount on payable income tax. The discount is also known as rebate. So, aapne dekha, sorry. So, yahan dekh sakte hai ki Khadi Gramodyog ya handloom shops, ye log kya karte hain ki ek special occasion par उनका सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं. तो जैसे गांधी जयंती पे खादी टेक्सटाइल गुड्स ऑफर सम डिस्काउंट ऑन खादी. ओके, सच अमाउंट इज कॉल्ड, मतलब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो भी होता है. तो कभी कभी क्या होता है, जो भी डिस्काउंट जो खादी ग्रामोद्योग या हैंडलूम शॉप्स देते हैं, वो डिस्काउंट is paid by government. Then in that case, this monetary compensation is known as rebate. So yahan kya ho raha hai, hum ek simple se diagram mein karte hain ki jo aapka seller hai, right, they offer discount. और बायर उतने कम प्राइस में ले लेता है. बट सेलर को जो डिस्काउंट उसने प्रोवाइड किया है उतना कम पैसा देना पड़ता है, बट वो डिस्काउंट उसे गवर्नमेंट पे करती है, राइट. सो एक्चुअली सेलर इज नॉट लूजिंग एनीथिंग हियर. सो दिस डिस्काउंट व्हिच इज कॉम्पेंसेटेड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड रिबेट. सो आगे जाके मतलब आप सिमिलर टाइप ऑफ स्टफ यू कैन सी इन योर जॉब आल्सो, लाइक द इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम अप टू सर्टेन लिमिट्स. सो आगे जाके आपका जो भी इनकम होगा, जैसे सपोज आप एक साल में कुछ 5 लाख कमा रहे हो, तो 5 लाख के ऊपर आपको कुछ रिबेट मिलता है. सो दिस इज लाइक इनकम टैक्स. सो यहाँ एक टर्म ऐसी होती है कि आगे जाके आपको 5 लाख आप कमा रहे हो, तो आपको उसका कुछ परसेंटेज, जैसे 5% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं. ओके, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. बट उस इनकम टैक्स में भी आप इतना भरो उतना ना भरो, बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. तो उसमें से आपको क्या है कि आपको कहा जाता है कि आप 5% भरो या सिर्फ 1% ही भरो. सो जो भी बचा है वो गवर्नमेंट आपको माफ कर देती है, उसे कहते हैं रिबेट. सो दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिस्काउंट. सॉरी. ओके, सो दिस इज द थिंग. व्हेनेवर यू जॉइन एनी जॉब, देन इफ यू गेट सम मनी, देन यू विल ट्राई टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, एंड दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन द परसेंटेज. और वहां भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. सो वो तो सब बात की बातें हैं, लेकिन देख लीजिए कि ये डिस्काउंट या रिबेट या कमीशन, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ ऑल्सो. ओके,
So let's go to the some solved example for the rebate, I feel. Okay. From Handloom stores, Sudhir purchased the following items: two bed sheets, ₹375 each, two floor mats, ₹525 each. On the purchase, he received a rebate of 15%. Find the total rebate. How much should Sudhir pay to shopkeeper? Okay, so ये भी one type of discount ही है. So हम देखते हैं कि 15% क्या होता है. So उसने क्या क्या लिया? Let's see. तो उसने एक लिया है टू बेड शीट्स. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बेड शीट्स इज टू बिकॉज उसने दो बेड शीट लिए. 375 बिकॉज 375 उनका प्राइस है हर एक का. सो टोटल हो गया ₹750. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ टू फ्लोर मैट्स. सो उसने दो फ्लोर मैट भी खरीदे हैं. सो टू फ्लोर मैट इनटू ₹525. सो हर एक का प्राइस है 525. सो टोटली हो गए 1500. सो टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज, उसने जो जो खरीदा है उसका प्राइस टोटल क्या है? ₹750 प्लस ₹1050. सो टोटली ₹1800 टोटल रिबेट. हम रिबेट कितना कहा गया है? 15%. सो टोटल रिबेट गिवन ऑन अ मार्क प्राइस इज लाइक 1800 इनटू 15 डिवाइडेड बाय 100. हमको तो पता है कि किस प्रकार से डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं. सो 1800 के ऊपर अगर 15 डिवाइड बाय 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा ₹270. सो ₹270 इज टोटल रिबेट और डिस्काउंट उसे मिला है. सो सुधीर, हाउ मच सुधीर हैज टू पे? 1800 माइनस 270 इज कम्स एज 1530. सो आपने देखा कि उसने टोटल प्राइस वाज 1800 बट एज ही गॉट सम रिबेट of ₹270, so he has to pay only ₹1530. So यहाँ देख सकते हैं कि अगर सुधीर को 15% के जगह let's see that if he gets 20% this rebate, so what will be the amount Sudhir has to pay? Please calculate and type in the chat box. So मेरा क्वेश्चन है कि instead of 15% he got a 20% discount or 20% rebate, then what is the amount he has to pay? So I'll repeat my question, that instead of 15%, he has received a rebate of 20%, then what would be the total amount Sudhir has to pay? I feel still students are getting wrong. So let's see what is the answer. So it is very simple question. Again, I ask same thing, that on total cost, instead of 15%, it is 20%, right? So what will be the value? 360. And what Sudhir has to pay? 1800 minus 360. It comes as 1440. Okay. So if we increase the discount, then Sudhir has to pay less. Okay, so I can see that some students got it
wrong here because of some calculation mistakes. So instead of like 360, they wrote 260. So it's not 260, it's 360. And total discount he got is around 360 rupees. And the total price he has to pay is rupees 1440. Okay, so let's move to the next stuff. So I think practice set is 9.2. Okay, I feel we have completed the chapter, but before that, let's see that how much we can answer these questions. Okay, so John sold books worth rupees 4,500 for a publisher. For this, he received 15% commission. Complete the following activity on and to find the total commission John obtained. So what is selling price of books? So can you write in chat box? We'll try to solve one by one. So what will be the answer here? So first, so try to solve this one first. Okay, selling price of books. What will be the selling price of books? It's very easy. Please do it as fast as you can. So what will be the selling price of books? It is rupees 4,500. Too bad. Yeah, it's 4,500. Okay. But always write rupees. Unit is very important. What is meant by 4,500? It's pound or rupees. So rupees 4,500. Okay. Rate of commission. What is the rate of commission? It's 15%. Always write not only 15, it's 15%. Okay, so you should be very careful while writing the answer. It's 15%, not only 15. Sirf 15 likhna uchit nahi hai. So 15% percent bhi hona chahiye. So rate of commission is always in percentage. Please keep in mind. Okay, so commission obtained. What is commission obtained? Is 15 divided by 100 into 4,500. So what will be the final commission? Can you write in chat box? Yeah, students started writing 675. That's correct. Yeah, now I feel you are getting the answers right and you understood this whole subject, like what is meant by discount, what is meant by commission and everything, right? So let's move to the next problem. We will try to solve as much as possible. So Rafiq sold flowers worth rupees 1500, right, or 15,000, sorry, by giving 4% commission to the agent. Find the commission he paid and find the amount received by Rafiq. Okay, so we will go step by step. Let me pull this up so that we can get this space. Sorry. Okay, so we will start with this problem number two. So we can see that how much price he has, the flower he has sold is rupees 15,000. Okay, so and how much commission? It's 4% commission. So how to calculate commission? We know
that commission is 15,000 into 600 rupees. Okay, so Rafiq has paid total rupees 600 as a commission. So what is total amount please received by Rafiq is, please write in chat box what is the answer. Yeah, that's good. Students are really brilliant and quick. Yeah. Is 14,400. That's good. So let's see next one. That is, farmer sold food grains for rupees 9,200 rupees through an agent. The rate of commission was 2%. How much amount did the agent get? Okay, can you try this problem and type in chat box how much amount agent get? It's total of food grains around 9,200 rupees and commission was 2% only. Yeah, yes, students started giving answer. That's quick, that's really quick. That's good. Yeah, it's the right answer. It's 184. So how we calculated? Let's. And I know that you are writing 184, but try to write it in the fashion that we are going to answer, like rupees. Rupees is very, very important here. So 9,200. Gives us 184. So what is the amount? Rupees 184. So please see that this is answer is rupees 184, not only 184. So this is good. Let's move next. We'll try to solve problem number four. So problem number four is like, Uma Dai purchased following items from Khadi Bandar, like three saris for 560 rupees and six bottles for the 90 rupees each. So on the purchase, she received a rebate of 12%. How much total amount did Uma Dai pay? Okay, and how much rebate? So we will try to club these answers. So let's see. So go, we will go one by one. So three saris into 560 rupees. What is the answer? Can you write it in chat box? Three saris into 560 rupees. Three saris into 560 is 1680 rupees. Okay. Similarly, six into 90 rupees each. So it comes as 540 rupees. So what is total amount of this purchase? Can you please do addition for me and type in chat box?
What is total price Umata he has purchased this stuff like sari and honey? What is total amount? Can you please type in chat box? It's 1680 plus 540. Someone has written 1140. How can this be? This addition, right? So Umata has purchased this thing. She is not giving back. So total amount is rupees 2220 or 2220, however you pronounce it, but it's 2220, like 2220 or 2220. So this is the total amount what Umatahi has paid. Okay, so and we have to see the what is the rebate she has received or how much amount she has to pay. So we will type here 2220 into 12%. So what is the rebate she got? Can you do some quick calculation? Please type in chat box. It's 12% of amount, like 2220. So 2220 into 12%. Is it so difficult? Simple multiplication. So what is the answer for rebate? 2220 into 12 divided by 100. So it's simple multiplication, right? So 266.4. So rupees. Sorry. So rupees 266.4 is the rebate that Umatahi has got or Umatahi has received. So what is total amount she paid? Can you write it in chat box? How much amount Umatahi has paid after this rebate? So Umatahi has purchased these items or at the
price of rupees 2,220, and she received a rebate of 12%. That is rupees 266.4. So how much amount Umatai has paid? So total cost of these items is 2,220, and she received a rebate of 266.40. So how much amount Umatai has paid? Can you hear me properly? Yes, okay. So what is the answer? Like Umatai has paid, means total purchased amount is 2,220, but she received a rebate of 266.4. So what is amount she paid at last? So it is 266.4. So what is the answer? So answer is 953.6. That's the right answer. Okay, so overall we can see here that total cost was around rupees 2,220, but Umatai has received amount around a rebate of rupees 266.4. So what is the final amount she has paid is around rupees 1,953.6. Okay, so this way, though Umatai has purchased amount of rupees 2,220, but she has to pay only rupees 1,953.6. So that's the discount rate she received or she has to pay. Okay, let's move further. I think this is the last problem of this chapter. Let's see. Okay, so what I will do. Okay, so quickly we will go through this problem. So let's see this information. What's the information they have provided? Srimati Dipanjali purchased a house of rupees 7,50,000 from Srimati Leelaben through an agent. Agent had charged 2% brokerage from the both of them. So let's move one by one. So Dipanjali has paid around 7,50,000, right? Okay, and 2% is brokerage. So what is the total amount? Can you write it in chat box? $15,000. That's correct. That's very quick. So rupees 15,000 is the Dipanjali has paid. Okay. How much Leelaben has paid? It's same amount, right? Because that commission agent had charged same amount from the both of them. So Srimati Leelaben also paid rupees 15,000.
okay, already rupees sign is there, so I am writing only digits. So total brokerage received by agent is addition of this both is like 30,000. Okay. Okay. Now the cost of house Srimati Dipanjali paid. So what will be the cost of house Srimati Dipanjali paid? No, I think, yeah. So this is a very tricky question. So cost of house is 7,50,000 plus she has to pay some amount of brokerage, right? So this is on top of this. So 7,50,000 plus 15,000 is the brokerage amount. So that will be addition. So that is the total amount she has paid, right? While Leela Ben will receive the amount that is 7,50,000 minus 15,000. Okay. So that is the Leela Ben will receive. That will be less amount. Instead of she will receive 7,50,000, she will receive minus 15,000. So Leela Ben will receive less amount than 7,50,000, while the Srimati Dipanjali has to pay more amount. Okay. So this way, this commission or brokerage work. Okay. So now you got the answers, that cost of house and the selling price. So please type in the chat box about selling price. I think Naneshwar has already mentioned about cost. Naneshwar is asking, yeah, if they meet and they will cancel. So that is not in the leap of faith, you know. So I know that brokerage has done some work, right? So that brokerage has done some research, and that brokerage had tried to bring together this seller and buyer. So that is one type of hard work that has to be paid. So if they cancel brokerage, that is not in good faith. And we know that we should not cheat anyone. We should not take advantage of anyone. That's the thing we should consider. We should not cheat on anyone. So if that brokerage ne hume milaya hai, or brokerage ne hume itna introduce karwaya hai, or he or she has confirmed that we should go into the deal, we should pay him or her, okay? Yeah, there are, Naneshwar is asking a lot of questions like brokerage issues. They can, yeah, there are a lot of agreements and a lot of stuffs are there. So, yeah, it should take advance and all this stuff. But yes, but generally, yeah, in good faith, they provide. So before a deal happens, they always decide that, okay, we will pay 1% to you. So sometimes it is verbal agreement, or sometimes it is in paper form. So yeah, this way it works. So don't worry, there are a lot of rules and regulation already there for that. But we as a student, as a young bright children of this country, we should think like, what is fundamental things? What is the percentage? How this commission works? Okay. And yeah, going ahead, you can take the decisions that whether we should go for this brokerage or whether we should have this commission agent. So this calculation will help you in taking the decisions. Okay. So I'm taking a leave now. I think this is 1 minute remaining. So take care and have a
ग्रेट इवनिंग देयर. बाय एंड टेक केयर. हैव अ गुड इवनिंग. थैंक यू. Bye, everybody.